आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव। हर खबर के साथ आज की अपराध से जुड़ी खबर। थाने के कलवा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक हफ्ते के भीतर दो हत्याएं हुई है, जिसकी पुष्टि एसीपी वेंकट आंदले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है। उन्होंने बताया कि मात्र 10 घंटे के अंदर कलवा पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आप वीडियो में देख रहे हैं, पकड़े गए यह आरोपी शराब पीने के लिए पैसे के लेन देन की वजह से हत्या को अंजाम दिया है। आगे देखिए थाने से सारापुरी की क्राइम रिपोर्ट। 3/12/2021 के सवेरे 9:30 बजे कंट्रोल रूम से फोन पुलिस स्टेशन में आया था कि एक अननोन बॉडी है जिसको रोड के बाजू खारेगांव जो नाका है वहां पर गिरी है। जैसा पीआई आवाड़ साहब को मालूम हो गया, आवाड़ साहब और उनकी टीम वहां पर गई तो वहां पर एक ईसीएम पड़े वाला था, उन्हें वहां से डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसको किसी ने मारहाण किया था, इसीलिए उसका पोस्टमार्टम वहां पर बताने के बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गया। वो बच्चा गुलाब सलमान शेख सलमत शेख, हाँ, इंदिरा नगर का रहने वाला था, इसलिए वो इसमें 448-2021 आईपीसी 302-34 का एफआईआर दर्ज किया। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पीआई अजगावकर कुंवर इन्होंने 2 टीम बनाई, उसमें एक में दिनकर एपीआई दिनकर और एक में पीएसआई कवड़े, ऐसे दोनों को उसमें डिवाइड करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इसमें जैसा 3 लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें एक है आकाश किशन पड़स, दूसरा है सनी धोनू सोनकर और तीसरा है फैजल फयाज खान। इन लोगों ने दारू पीने की वजह से आपस में झगड़ा होकर इन्होंने इसका मर्डर किया था और इसको 12 घंटे के अंदर ही ये गुनाह डिटेक्ट किया गया है और बॉडी भी डिटेक्ट की गई है। सर कितना वक्त लगा इस केस को? 12 घंटे के कम पीरियड में, मैं तो बोलता हूँ 12 घंटे है ही नहीं है, 10 घंटे में इसको डिटेक्ट किया है। अननोन डेड बॉडी और अननोन मर्डर, ये दोनों भी आइडेंटिफाई हो गया और आरोपी को अरेस्ट भी किया है। 3 आरोपी अरेस्ट है। सर पैसे के लेन देन में हुआ है कि खाली दारू पीने में हुआ है? दारू पीने के वजह से, दारू पीने में जो पैसा लगता है उसके वजह से हुआ है। ये देखो, ये 2 हफ्ते में 2 मर्डर हुए हैं। पहले भी डेड बॉडी मालूम नहीं थी, आरोपी मालूम नहीं था। इस केस में भी डेड बॉडी किसकी है मालूम नहीं था, आरोपी मालूम नहीं था। ये दोनों डेड बॉडी कड़वा पुलिस स्टेशन आवाड़ साहब और आजगांवकर साहब और इन्होंने मार्गदर्शन किया कि हमारे एपीआई दिनकर, एपीआई कवड़े और बाकी जो स्टाफ है डीबी का, इन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया।